मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त हैदराबाद में मौजूद हैं और यहां पर संजय कुमार, जिनको कि मुख्यमंत्री केसीआर के कहने पर आंदोलन के दौरान जेल ले जाया गया था, उनके समर्थन में आए हैं। साथ ही साथ काफ़ी मुखर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान जिस तरीके से सिक्योरिटी लैप्सेस हुए थे। शिवराज जी, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि सोनिया गांधी से लेकर के तमाम लोग फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं, आखिर ऐसी चुप्पी क्यों? सोनिया गांधी को जवाब देना पड़ेगा, उनकी सरकार है पंजाब में और पंजाब की उस सरकार की ड्यूटी थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की संपूर्ण व्यवस्था करती। अब हम भी मुख्यमंत्री कई वर्षों से रहे, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, एक एक चीज़ का ध्यान मुख्यमंत्री रखते थे प्रधानमंत्री के दौरों का। अब मुझे तो आश्चर्य होता है मुख्यमंत्री साथ नहीं, डीजीपी साथ नहीं, सीएस साथ नहीं, सीएस डीजीपी की गाड़ियां खाली चल रही हैं, आखिर क्यों सीएस और डीजीपी साथ नहीं थे? क्या प्रधानमंत्री के दौरे में प्रोटोकॉल का पालन नहीं करना चाहिए क्या? और इसलिए ये संदेह नहीं है, ये सच है कि जानबूझ के प्रधानमंत्री जी की जान संकट में डाली गई, और इसका पाप और अपराध अगर किसी के सर पर है तो वो है श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी। अब जब पूरे देश में गुस्सा है, जनता क्रोध से उबल रही है और चारों तरफ आलोचनाएं हो रही है, तो जवाब तो सोनिया गांधी को देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी के साथ करोड़ों करोड़ लोगों की शुभकामनाएं, जनता का आशीर्वाद, और वो तो वैश्विक नेता है इसलिए वो सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सर कि सारे जो तथ्य हैं, एसपीजी से भी कहा है कि सुरक्षित रखे जाएं। दूसरा, चन्नी जी का उन्हें भी दो सदस्यीय कमेटी बैठाई है, लेकिन उनका कहना है कि प्रधानमंत्री जी नाटक कर रहे हैं। क्या लगता है कि इस तरह के मसलों में ऐसे हो सकते, क्या यह राजनीतिक शुचिता है? मैं तो सोनिया गांधी से पूछ रहा हूँ, किस किस को बिठाया है उन्होंने? क्या ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री इसलिए बनाया था कि वो इस तरह के ओछे और हास्यास्पद बयान दें? जवाब तो सोनिया गांधी से हम मांग रहे हैं, बाकी का क्या लेना था? एक दो आखिरी सवाल, क्या लगता है दिग्विजय सिंह से लेकर कमलनाथ तक कह रहे हैं कि ये चीज़ें ठीक नहीं, इतना प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो आप धर्मयुद्ध का नाम दे रहे हैं, ये धर्मयुद्ध कहाँ तक जाके निकलेगा और 23 और 24 को लेकर के क्या आपकी योजना है? देखिए, जवाब तो जनता देगी, लोग प्रधानमंत्री जी के साथ है, देश और दुनिया के सभी राष्ट्र कई मामलों में प्रधानमंत्री जी से मार्गदर्शन की अपेक्षा करते हैं, लेकिन कांग्रेस ने जो पाप किया है वो तो भगवान की कृपा थी, प्रधानमंत्री जी सुरक्षित है, वो अक्षम में है। कोरोना को लेकर के क्या कहेंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ा देश में, सब लोग प्रयास कर रहे हैं और कोरोना को कंट्रोल करेंगे जनता के सहयोग से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जिनका कहना है कि फिलहाल सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी लैब्स के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं, उन्हें इस मसले पर बोलना चाहिए, साथ ही साथ कोरोना को कंट्रोल करने की बात कह रहे हैं। विकास कौशिक, ईटीवी भारत के लिए हैदराबाद से।